यंग हुआ, क्या तुम मुझे मिस करते हो? कार दो मिमे, हमें फुटेज में ये देखना है कि वेन्यू नशे में था या नहीं। वो नशे में था और वो कार दो। उसे खुद फेस करने दो। कहते हैं कि औरत जब तक माँ नहीं बन जाती तब तक कमजोर होती है, पर ये बात कितने लोगों को पता है कि जिस पल में औरत माँ बनती है उस पल में भी वो कितनी कमजोर होती है। अगर सामने वाले को हम अपना नहीं समझते तो ये सब होता ही नहीं। हम गुस्सा भी तो अपनों पर ही करते हैं। आपने कभी किसी को खुशहाल जिंदगी पाने के लिए यूनिवर्स पर गुस्सा करते देखा है क्या? पर माँ बनने के बाद एक औरत दुनिया की सबसे शक्तिशाली औरत बन जाती है, और उसका जो दिल होता है वो बिल्कुल मोम जैसा बन जाता है। सनी, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है, तो चलो अब सो जाओ। गुड नाइट मम्मा। मैं लाइट बंद कर देती हूँ। मम्मा, मुझे लगता है कि आप अब भी बहादुर सोल्जर बन सकती हो। लेकिन इस बार सामने दुश्मन बहुत ताकतवर है, अगर तुम्हारी मम्मा उसे हार गई तो। मम्मा, आपने ही तो मुझे कहा था ना कि हार जीत तो टेम्पररी होती है, अगर आप हार गए तो आपको पता चल जाएगा कि आप में क्या क्या कमियां थी, और अगली बार आप और ज्यादा बहादुरी से सामना करोगे, इसलिए आप हारने से मत डरिए। अब सोचो। मैं इसे ठीक कर देती हूँ। लाइट बंद कर दूँ? मैं सो गई। हाँ, वो सो गई। तो मैं तुम्हें भूख नहीं लगी है? मैं कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। तुमने फिर से बाहर का खाना खाया? तुम्हें तो मेरी कुकिंग स्किल पता ही है। फिर से अपने घर शिफ्ट हो गए? नहीं, अभी मैं एक रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहा हूं। अच्छे से सेट हो गए? अब तक तो नहीं, लेकिन जल्दी हो जाऊंगा। वैसे मैं समझ गया हूं कि तुम्हें शादी से इतना डर क्यों लगता है। पिछली बार जब मेमे और वेन्यू के बीच में झगड़ा हुआ था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेमे उसे एंजॉय कर रही है, पर इस बार वो एकदम से शांत हो गई। मुझे लगता है कि उसकी शांति उसके गुस्से से ज्यादा भयानक है।
जिस शादी में झगड़े होते हैं वो इंसान अंदर से हार जाता है। मुझे ये लगता है कि मेरा फैसला बिल्कुल सही था। एटलीस्ट मुझे ये सब सहन नहीं करना पड़ा। अच्छा है हम अलग हो गए, नहीं तो हमारे बीच में भी शायद उनसे भी ज्यादा बड़े बड़े झगड़े होते। सच में तुम उससे बात कर लेना, मैं चलता हूँ। मैं छोड़ने आ रही। इट्स ओके, जल्दी सो जाना और ज्यादा मत सोचना। हेलो, जब मैं छोटी थी तब मुझे समझ नहीं आता था कि हीरोइंस जब तकलीफ में होती थी उससे बाहर निकलने के लिए घर की साफ सफाई क्यों करने लग जाती थी। तब मुझे वो सब कुछ बहुत बनावटी लगता था, लेकिन अब जब मैं खुद तकलीफ में हूँ तो मैं भी वही कर रही हूँ। शायद हर कोई ऐसा ही करता है। यंग हुआ, क्या तुम मुझे मिस करते हो या मैं ही बेकार में पागल हुई जा रही हूँ?